नमस्कार, आप देख रहे हैं रोशनी, मैं हूं आपके साथ आरजू। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपलब्धियों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है, मोदी जी की जो उपलब्धि है वो है नोटबंदी। 9 साल बीत रहे हैं लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि देश का कितना काला धन जमा हुआ है। देखिए, मोदी जी की जो उपलब्धि है वो क्या है? नोटबंदी। 9 साल बीत रहा है लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि कितना काला धन देश का जमा हुआ। RBI में कितने नोट जमा हुए ये भी आज तक के उन्होंने जारी नहीं किया। नंबर दो, लॉकडाउन से देश को भारी नुकसान हुआ, कितने लोग जान से हाथ ढोना पड़ा, कितने लोगों को रोजगार छीनी गई, इसके कोई आंकड़े उन्होंने जारी नहीं किया। शौचालय बनाए लेकिन वो भी अपूर्ण है, कितने लोग उसका उपयोग कर रहे हैं इसकी भी जानकारी नहीं है। उज्ज्वला योजना उन्होंने शुरू की तो 400 रुपया रसोई गैस की कीमत थी, आज बढ़ के 1200 रुपया हो गया। कोई भराने को तैयार नहीं, महंगाई से हाहाकार, जिसमें हाथ डाले वो नुकसान हुआ। किसानों के आय दुगुनी करने की बात कही थी, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। दिल्ली में कितने लोग आंदोलन करते करते लोगों की जान चली गई। कमेटी बनाए, कमेटी का कोई अता पता नहीं है। 6000 रुपया किसान सम्मान निधि देने की बात कही, वो पहले मिला, उसके बाद जो नाम करते गए तो अब तो वो आंकड़े ही घट गए। अभी मनरेगा में जो जिसको वो कहते थे ये कांग्रेस के असफलताओं का स्मारक है, और वही मनरेगा है वो लॉकडाउन के समय कोरोना काल में लोगों का अर्थव्यवस्था सुधारने में मददगार हुई। और आज स्थिति ये है कि आप उसके बजट को एक तिहाई कर दिए, आज बजट कहीं अता पता नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी हर साल 2500-3000 करोड़ रुपये मिलता था, और उसको घटा के 1000 करोड़ कर दिया। तो आप गरीब के खिलाफ हैं, आप किसान के खिलाफ हैं, आप घरेलू जो महिलाएं हैं उसके खिलाफ हैं। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, केरोसिन सबके आपने बढ़ा दिए, खाद के भाव बढ़ा दिए, और लघु उपज की कोई खरीदी की व्यवस्था नहीं है। तो और रोजगार देने की बात कहे थे आप, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला नहीं, जो रोजगार थे वो बेरोजगार हो गए। ये उनकी उपलब्धि है।